हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेडेक्स स्ट्रीम में। इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वॉइस एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऑडासिटी के बारे में। यदि गाइस आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो, तो ऐसे में वीडियो की क्वालिटी के साथ साथ आपकी वॉइस की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करना होता है। तो आप यहाँ पर ऑडासिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपनी वॉइस की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। इसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर किसी भी वेब ब्राउज़र पर जाके सर्च कर लेना है audacity.org, और आप आ जाओगे इनकी साइड में। इस प्रकार से इसका इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि आप यहाँ पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो तो विंडो, या फिर मैक, या फिर लाइनक्स, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल करोगे जैसे, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसका आइकन दिखेगा। आप इसको ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करके यहाँ पर देख सकते हो इसका इंटरफेस। यहाँ पर आपको सारे मेन्यूज वगैरह देखने को मिल जाते हैं। नीचे यहाँ पर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, और कुछ पे म्यूट वगैरह करना और अंडर रिड्यू वाले ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर माइक सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। जो भी आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए माइक यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रिकॉर्डिंग, यहाँ से आप जो रेड बटन दिख रहा है यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ से रिकॉर्डिंग करने के बाद यहाँ पर आपको, जैसे कि आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्डेड, यहाँ पर आपके पास वॉइस रिकॉर्ड रखा है, ठीक है, फाइल वगैरह रखा है, तो आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाके आईडी वाले जो ऑप्शन है यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो आसानी से। तो देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से इंपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर सारे एडिटिंग के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, यहाँ से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन से जो भी फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना है यहाँ से आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको बात करूँ यहाँ पर रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ से आप जब भी रिकॉर्ड करो तो आप कुछ समय का पॉज ज़रूर लें, ताकि आपके जो नॉइज़ वगैरह आपके आसपास जो भी नॉइज़ वगैरह है वो सारा रिकॉर्ड हो जाए और हम उसको एडिट आसानी से कर पाए। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे कुछ समय का पॉज लिया है। उसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, जो हम पॉज लेंगे हम शुरू में उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी नॉइज़ वगैरह था वो सारा यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। और अब यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पर जाके नॉइस रिडक्शन वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको गेट नॉइस प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिखेगा ऊपर की ओर, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करना है, ठीक है। नीचे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपल आपको नॉइज प्रोफाइल आपको सबसे पहले बनाना है। तो यहाँ पर इसको ओके कर लेना है। जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सेलेक्ट हो जाएगा आपका जो भी नॉइस वगैरह था, आपका प्रोफाइल यहाँ पर तैयार है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो बाहर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सारा आपका आईडी हो जाए सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नॉइस रिडक्शन वाला जो ऑप्शन था उसी पे आपको दोबारा जाना है, और यहाँ पर आपको ओके करना है, ठीक है। सबसे पहले वाले में हम यहाँ पे गेट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जो सेकेंड हम सेलेक्ट करके आते हैं दोबारा इस पर, तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पर शो होने लगता है ओके वाला, तो इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ओके क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो नॉइज़ वगैरह था वो सारा रिमूव हो जाएगा। अब नॉइज़ रिमूव हो जाने के बाद यहाँ पर यदि फिर भी कोई नॉइज़ वगैरह रह जाता है तो आप दोबारा से आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर ये आप करने के बाद आपको सेकेंड जो फिल्टर है उसको यूज़ करना है, कर्व ए क्यूब वाला फिल्टर, कर्व ए क्यूब वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मैनेज वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आना है आपको फैक्ट्री प्रीसेट वाला ऑप्शन। उस पर आने के बाद यहाँ पर आपको बेस बूस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको उसको सेलेक्ट करके इसको ओके करना है। तो जैसे ही ओके करोगे यहाँ पर देख सकते हो ये जो हमारा बेस है वो इम्प्रूव हो चुका है। और यहाँ पर ध्यान रहे आपका यहाँ पर सेलेक्ट रेट रहे, जो हमारा रिकॉर्डिंग है वो सारा यहाँ पर सेलेक्ट रहना चाहिए। सेलेक्ट जैसे ही करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो वाइट इस प्रकार से यहाँ पर शो होता है, तो यहाँ पर यदि सेलेक्ट नहीं रहता है तो इस प्रकार से शो करता है, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये वाइट हो जाता है। तो यहाँ पर सेलेक्ट रहना चाहिए, तभी आपका इफेक्ट यहाँ पर सही से वर्क करेगा। यहाँ पर हम फिर से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे फिर से जाएंगे, और यहाँ पर फिर से उसी ऑप्शन पे जाएंगे फिल्टर कर्व ए क्यू वाले पे, और यहाँ पर फिर से मेन्यू वाले ऑप्शन, मैनेज वाले ऑप्शन पे जाके फैक्ट्री प्रीसेट पे जाएंगे, और यहाँ पर ट्रेबल बूस्ट करेंगे इस बार, ठीक है। फर्स्ट बार में हम बेस बूस्ट करते हैं, सेकेंड बार में ट्रेबल बूस्ट, और उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर ये इम्प्रूव हो चुका है इसमें, और यहाँ पर आप सुन के देख सकते हो यदि आपका जहाँ वॉइस की जो क्वालिटी यदि सही लग रही है आपको तो यहाँ पर इसको सेव भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर और भी इफेक्ट डाल सकते हो अपने रिकॉर्डिंग में, तो यहाँ पर इसके लिए जैसे कंप्रेस वगैरह करना है आपको वॉइस वगैरह, तो कंप्रेस पे क्लिक करके यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर ये कंप्रेस हो चुका है, और इसी प्रकार से आप यहाँ पर इसको यदि
आपके वॉइस में यदि लाउडनेस चाहता है तो आप इसको क्लिक करके लाउडनेस नॉर्मलाइजेशन वाले ऑप्शन को ओके करके इस प्रकार से नॉर्मलाइज कर सकते हो। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव हो चुका हमारा वॉइस। इसके बाद यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके नॉर्मलाइजेशन वाला ऑप्शन है उसको भी क्लिक करके आप यहाँ पे इसको नॉर्मल कर सकते हो। तो नॉर्मल करने से होगा क्या कि जो आपके वॉइस की जो वॉल्यूम है वहाँ पर कम नहीं होगा और यहाँ पर आपका वॉइस यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो वॉइस की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो चुकी है। अब आप इसको किसी भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, फोल्डर वगैरह में जो भी आपको फॉर्मेट में आपको इसको सेव करना है। तो यहाँ पर MP3 वाला में सेलेक्ट करके यहाँ से आप जो भी नाम देना है यहाँ से दे सकते हो और यहाँ पर सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर ओके करने के बाद ये सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है गाइस यहाँ पर इस प्रकार से आप यहाँ पर आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो अपने वॉइस की रिकॉर्डिंग को और अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।